हेलो दोस्तों, आपने, मैंने, इस संसार में सभी ने मोहब्बत किया होगा और करते भी हैं। किसी ने दारू से किया, किसी ने लड़कियों से किया, किसी ने वस्तुओं से किया, बहुत सारे लोगों से हम करते हैं अपने जीवन में। जैसे कि सुबह सुबह जाते हैं तो लोग कुत्तों को लेके जाते हैं, क्यों? वो भी एक तरह का अनुराग है, एक तरह का प्रेम दिखाते हैं वो लोग। और हम मानते हैं, बहुत सारे लोगों से हम घिरे हुए रहते हैं। सभी में नशा है दोस्तों, मतलब एक पति पत्नी के रिलेशन में, भाई बहन के रिलेशन में, इतना माँ बेटे के रिलेशन में इतना नशा है ना। कुछ कुछ नशा ऐसा होता है कि आदमी तो उसमें डूब ही जाता है और उभर नहीं पाता है, लेकिन फिर भी उभर जाता है वो, जैसे तंबाकू में, सिगरेट में और शराब की बोतल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे नशीली पदार्थें हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको नशा करना ही है ना तो कृष्ण की भक्ति में करिए, उसमें जो नशा है ना, फिर आप नशा करना ही भूल जाओगे दोस्तों। ऐसी नशा लग जाएगी आपको कि सब कुछ ऐसा लगेगा कि सब उसके आगे बेकार है। सब कुछ सही बोल रहा हूँ, वो जो भक्ति होती है ना, वो जो प्रेम लग जाएगा ना, ऐसे ही मीरा दीवानी नहीं हो गई थी, ऐसे ही तुलसीदास नहीं हो गए थे। सोचिए जरा, एक बार हरि नाम जपिए, आपको मालूम चलेगा कि वो कांटेक्ट हो रहा है आपका। बस नाम मात्र लेने से ना आपके जिह्वा पे कृष्ण की वासना, वो आके नाच करते हैं आपके जिह्वा पर। ऐसा मैंने, ऐसा भगवद गीता में स्वयं कृष्ण ने कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है, सर्वधर्म परित्याज्ञा माम एकम शरणम व्रजा अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस उनके कांटेक्ट में रहना है। हम अपने कामों में तो बिजी रहते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लेके उनके नाम मात्र जप लेने से हम कोई नरक में नहीं चले जाएंगे, क्योंकि वही मरने के बाद उन्हीं के पास जाना है, ये याद रखिए। इसीलिए बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा दोस्तों, जय हिंद।